ये इच्छा शक्ति भी दिखाता है और ये मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी, जो बात कही थी, उसको सार्थक बनाने की ओर बड़ा कदम है और उन्होंने वही बात आज कही भी है। वो कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है कि जिस कानून को लेकर आपने बात कही थी, आज उस कानून की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। सदन में इसमें विस्तृत चर्चा हो, उन्होंने एक मैसेज, मैंने जब पूछा कि विपक्ष के मित्रों से क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा सभी को इसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए ताकि हमको बेहतर सुझाव भी मिल सके, ताकि हम इस पर एक विस्तृत चर्चा कर सके, क्योंकि सिविल लॉज में हम बदलाव करने जा रहे हैं और इसलिए जरूरी है कि सदन के भीतर बेहतर चर्चा हो। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सभी को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है और उसके बाद सदन में इस पर विस्तृत चर्चा शुरू होगी, कुछ सुझाव भी मिल सकते हैं और सदन से अगर आज इसका पारण हो जाता है तो फिर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये एक कानून बन जाएगा। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तराखंड की जनता से जुड़ा हुआ है और उत्तराखंड की को देखते हुए देश के कई राज्यों में इसका स्वागत हो सकता है। हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, हम असम को देख रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि इसका अवलोकन किया जाएगा। तो ये जो नया इतिहास रचा जाएगा, इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि सभी को पढ़ने के लिए भी दिया जा सकता है, तो क्या विधानसभा की कार्यवाही भी थोड़ी देर के लिए स्थगित हो सकती है, क्या ऐसी भी संभावना बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जो जानकार हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि सदन में जब इस विधेयक को रखा जाएगा तो उसके बाद विधायकों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायकों के पास भी अभी तक विधेयक नहीं है और ना विपक्ष के पास है। और सदन में चर्चा तभी होती है जब आपके फंडामेंटल क्लियर हों, जब आपके उस पूरे विधेयक को लेकर आपके सवाल जो हैं वो आपके दिमाग में पूरे क्लियर तरीके से हों, तो इसीलिए ये समय दिया जा सकता है। और एक बात जो मैंने कही कि कमेटी के एक सदस्य को सदन में बुलाया गया है, वो इसीलिए बुलाया गया ताकि तकनीकी पहलू कहीं पर आंच आएगी तो वो तकनीकी पहलू पर अपनी बात रख सकेंगे। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व की निगाहें इस पर हैं, तमाम मीडिया संस्थान इसे कवरेज कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जरूरी है ताकि यहां से निकलने वाली हर बात बेहतर तरीके से जाए, किसी भी तबके में, किसी भी संप्रदाय में इसका कोई गलत संदेश ना हो, इसीलिए ये विस्तृत चर्चा कराई जा रही है और इसी पर सरकार का फोकस भी है। बिल्कुल सुरेंद्र, और क्योंकि विपक्ष के भी लगातार रिएक्शंस मिल रहे हैं तो विपक्ष इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बता रहा है, तो क्या ये माने जैसे कि इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ से गिनाए जा रहे हैं, ये माने कि 24 का जो चुनाव है ये यूसीसी के लिए बड़ा दाव हो सकता है सत्ता पक्ष के लिए? देखिए बिल्कुल बड़ा दाव होगा, बिल्कुल बड़ा दाव होगा, क्योंकि 22 के इलेक्शन से पहले कहना और आने आते ही सरकार में पहली कैबिनेट पर उस पर फैसला लेना और 2 साल के भीतर उसको लागू करवाना, क्योंकि अभी जब चर्चा होगी उसके बाद पारण के बाद ही कानून बनने के बाद लागू होगा, लेकिन सरकार इसे 2024 के चुनाव में ज़रूर ले जाएगी और ये बताएगी कि इसका मकसद क्या है। और सबसे बड़ी बात, इसमें महिलाओं पर केंद्रित पूरा बिल है, महिलाओं को मजबूत करने वाला बिल है, तो महिला शक्ति उत्तराखंड में हमेशा से मानी जाती है कि जिस ओर महिला शक्ति बढ़ जाती है उस ओर सरकार का रुख हो जाता है, तो इसीलिए 2022 के चुनाव में भी ये देखा गया था और अब भी यही कोशिश है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में समझाया जा सके। भाजपा विधानमंडल दल की जब बैठक हुई थी कल, उसमें हर विधायक को यही कहा गया कि आपको आम जनता को यूसीसी उनके सरल शब्दों में समझाना है। आपके पास इस वक्त सुनील खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कानून के जानकार हैं। सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कितना बेनिफिटेड हो सकता है यूसीसी का बिल? जो है भारत के संविधान निर्माताओं की अपेक्षा है जो लंबे समय से लंबित रही, जब ये यूसीसी आएगा तो ये एक बड़ा प्रोग्रेसिव कानून है जो एक जहां जहां हम कानूनों को मॉडर्नाइज करते हैं सबको समान अधिकार देने का, ये एक बहुत बड़ा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार करने जा रही है और मुझे लगता है इसके लॉन्ग टर्म अफेक्ट केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में देखे जाएंगे। सुनील जी, आपको लगता है कि इससे महिलाओं का जो हक है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा इस बिल के आने से? बिल्कुल निश्चित होगा, क्योंकि कई कानूनों में महिलाओं को जो अधिकार कम मिलते हैं उन सारी विसंगतियों को दूर करते हुए पूरे समाज की सभी महिलाओं के लिए एक जैसा कानून, एक जैसे अधिकार और पहले से अधिक अधिकार ये कानून देगा, जो निश्चित रूप से देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा एक नया कदम होगा। सुनील जी, लेकिन इसके कुछ तकनीकी पहलुओं को भी आपसे समझना चाहेंगे, ये कैसे आगे प्रोसेस इसका बढ़ेगा विधानसभा के सामने जब इसे ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा, तो कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा? देखिए, विधानसभा द्वारा कानून पारित होने के बाद ये जो बिल है वो एक्ट में बदल जाएगा और उसके बाद राज्यपाल महोदय की अनुशंसा पर वो
पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। तो प्रारंभिक चरण के बाद अगले चरण केवल प्रक्रियात्मक हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा तकनीकी दिक्कत नहीं है। सुनील जी, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि इस बिल को हमने लोगों की राय लेकर तैयार किया है, लेकिन जो विपक्ष है वो बार बार इस चीज को कह रहा है कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम है और ये एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए है। देखिए, यह बिल्कुल इसके ठीक विपरीत स्थिति है। एक वर्ग को प्रभावित करने के लिए होता तो किसी एक धर्म के लिए होता। जो एक वर्ग को प्रभावित वाले करने वाले कानून थे उन सबको समाप्त करके उनके स्थान पर सभी वर्गों के लिए कानून लाया जा रहा है। उसके नाम से ही परिलक्षित है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो सब पर समान रूप से लागू होगा। किसी धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने पहले कहा एक प्रोग्रेसिव लॉ है, एक मॉडर्न लॉ है, एक निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाला कानून है। बिल्कुल सुनील जी, और क्योंकि समानता की बात जो है हमारे संविधान में भी कही गई है, अनुच्छेद 44 में इस बात का जिक्र है कि सभी को एक समान माना जाए, सभी को एक समान अधिकार मिले, तो इससे मजबूती मिलेगी। बिल्कुल निश्चित, आप देखिए ना, हमारे यहाँ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें आर्टिकल 44 ने संविधान निर्माताओं ने बहुत लंबी बहस के बाद, बहुत बड़ी मंत्रणा के बाद ये कहा, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल इट्स सिटीजंस ऑल ओवर द कंट्री। यानी देश के संविधान निर्माताओं ने उस समय भी ये अपेक्षा की कि देश की सरकार जो है वो भविष्य में एक ऐसा कानून लाएगी। उस समय से लेकर आज तक शाहबानों के, उसके बाद साओ पोलो केस, विभिन्न केस हैं, सरला मुद्गल केस, बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सरकारों से अपेक्षा की है कि वो इस विषय में आपने क्या किया, पूछा है। हालांकि मैं इसमें एक बात चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी हमारे से जुड़ने के लिए। तो लगातार तस्वीरें जैसे जैसे आती रहेंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।